हेलो गाइस, लेके आ चुका हूँ आज के लिए एक नई और बहुत ही कमाल की वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस लैपटॉप को, जो कि है मेरा लैपटॉप लेनोवो आइडियापैड 145, जिसको मैं करीब 8 महीनों से यूज कर रहा हूँ। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाली हुई अपने चैनल पे, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी करीब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगा इसका एक रिव्यू बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी डिटेल देने वाला हूं कि इसका बैटरी लगभग 8 महीने में मतलब कितनी देर चल रहा है, क्या क्या हीट में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं उस इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके काम के हिसाब से ये लैपटॉप आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत। डिजाइन के तो दोस्तों यहाँ पे बैक साइड से शुरू करते हैं। बैक साइड में आपको इसके सिंपल लैपटॉप का जैसा डिजाइन होता है आपको उसी तरीके का डिजाइन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्रंट साइड में जो कि मैंने यहाँ पे स्टिकर यहाँ पे चिपकाया हुआ है, मतलब इसको मतलब ये जो प्लेन था, ये जो मतलब सरफेस था पूरा का पूरा एकदम सिल्वर कलर का था, बस एक साइड से साइड में आपको लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो पूरा आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा ही आपको एकदम पूरा प्लेन सिल्वर कलर का देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप स्टिकर वगैरह ना भी चिपकाए इसके ऊपर तो भी ये काफी मस्त सा लुक देता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले की तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब यार काफी अच्छा खासा डिस्प्ले है। मतलब आपको हर मतलब उतने ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती, डिस्प्ले काफी बड़ा है, आप इसमें अच्छे से वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कुछ मूवी देख रहे हैं या फिर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप अगर ऐसे सामने सामने से देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू देता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे साइड में बैठ के देखते हो तो मतलब यार मतलब एकदम सफेद डिस्प्ले में मालूम पड़ता है जैसे पूरा कुछ सफेद डिस्प्ले पे लगा हुआ है। तो साइड वाला जो व्यू है वो इस लैपटॉप में आपको खराब देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने आमने सामने बैठ के देखते हैं तो इस लैपटॉप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं इसको लगभग 8 महीनों से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में लगभग ये प्रॉब्लम मुझे डिस्प्ले के बारे में फेस करनी पड़ी है कि मगर अगर कोई मेरे बगल में बैठ के देख रहा है थोड़ा सा भी ऐसे साइड हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि डिस्प्ले में क्या शो हो रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए इस लैपटॉप के वेब कैम की तो दोस्तों इसका जो वेब कैम है ये काफी काम चलाओ लायक वेब कैम इस लैपटॉप पे दिया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, बस काम चलाओ है आपके लिए। अगर आप इसको अगर वीडियो कॉल वगैरह यूज करते हैं तो अगर आप बाहर से वेब कैम लगाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो वेब कैम है बहुत ही ज्यादा सीधी बात में बोलूँ बहुत ही ज्यादा घटिया और बकवास फोटो इसमें दिखता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे फोटो वगैरह खींचे थे लेकिन एक भी फोटो देखने लायक नहीं आती है। तो इसमें आपको वेब कैम यूज करना पड़ेगा अगर आप कुछ अगर काम करते हैं वीडियो कॉल करने के लिए, तो आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इस लैपटॉप की पैड की तो दोस्तों इसका जो की पैड का डिजाइन है काफी मस्त है, एकदम से आपको एकदम प्लेन देखने को मिल जाता है, फुल साइज का आपको इसमें की पैड देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब आ जाता है कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है, एक साइड में ही पूरा का पूरा काउंट करने के लिए आपको सब कुछ मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो इसका पावर लॉक अनलॉक बटन है तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब आप अलग लैपटॉप में लोगों को लेंगे तो उसमें आपको एक किनारे पे साइड के तरह साइड रहता है, लेकिन इसमें जो है पूरा जो मतलब आपका ये जो कीपैड है पूरा का पूरा कीपैड के बीच में ही दिया हुआ है, तो ये जो लुक है ये काफी मस्त सा लगता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसके टच पैड की, दोस्तों इसका टच पैड काफी कमाल का है, मैं अब तक यूज कर रहा हूँ, बहुत ही मस्त आता है इसका फीलिंग। इसमें भले ही बटन इसमें करना दिया हो लेकिन इसकी जो फीलिंग है काफी अच्छा करता है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वहां पे नीचे बटन दिए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की, इसमें लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप कितने को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है इसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 3 का आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, और अगर आप लैपटॉप्स के बारे में प्रोसेसर के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा
इंटेल के मुकाबले में एएमडी का जो प्रोसेसर है राइजन का प्रोसेसर है वो ज्यादा बैटरी एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों इसमें जो लगभग 4.5 घंटे के आसपास इसका बैटरी बैकअप आपको इन बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसको अगर आप फुल चार्ज करके लगभग आप 4 घंटों के लगभग आराम से यूज कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ब्राउजर आप कई सारे ओपन करके रखो तो लगभग 3.5 या फिर 4 घंटे के आसपास आपको इसका बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि काफी मतलब राइजन का प्रोसेसर है, इस वजह से आपको इसमें बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन इंटेल इसका जो प्रोसेसर है ये इंटेल i3 के बराबर ही है, तो बैटरी के मामले में भले थोड़ा कम है लेकिन प्रोसेसर के मामले में ये बिल्कुल इंटेल i3 के बराबर ही आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बात करते हैं इस लैपटॉप के हीटिंग प्रॉब्लम की, तो दोस्तों हीटिंग प्रॉब्लम लैपटॉप को अगर आप जब भी यूज करते हैं उसका फैन चलता है और फैन से हीट थोड़ा तो बढ़ता ही है। तो दोस्तों मैं कहूंगा इस लैपटॉप में जिसमें कि राइजन का प्रोसेसर लगा हुआ है उस लैपटॉप में आपको हीट जो है नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, मैं अपने लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, इस लैपटॉप में आपको जो कि हीट का प्रॉब्लम आपको थोड़ा ज्यादा मिल सकता है क्योंकि AMD का है, ज्यादा बैटरी खाएगा तो ज्यादा हीट इसमें से बाहर निकलती है, तो इसमें मतलब उतना ज्यादा भी हीट नहीं होता और मतलब नॉर्मल भी नहीं होता, नॉर्मल से आपको थोड़ा ज्यादा हीट आपको इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने लैपटॉप कूलर नीचे लगा हुआ है तो आप इसमें इसको कई घंटों तक यूज कर सकते हैं, इसमें जरा सा भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर बात करें इस लैपटॉप में कितने सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं तो दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में जो है उसको पूरा डिटेल में बताया हुआ था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यहां पे आपको 3 USB टाइप का यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाता है और उसके बगल में आपको यहाँ पे HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे साइड में मिल जाता है ये यहाँ पे है इसका पावर का आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है पावर केबल यहाँ पे करने के लिए। और दोस्तों इस साइड की बात करें तो इस साइड में सिर्फ आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कि जो पहला पोर्ट है ये 3.5mm का ऑडियो जैक है और दूसरा जो यहाँ पे आप पोर्ट देख रहे हैं इसको आप देख के समझ चुके होंगे ये कार्ड रीडर का पोर्ट है, मतलब इसमें जो बड़े वाले मेमोरी कार्ड लगते हैं, मतलब जो कैमरे में मेमोरी कार्ड डाले जाते हैं वो वाले मेमोरी कार्ड इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें 4 एक साइड में और एक साइड में 2 आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका जो USB पोर्ट है यहाँ पे तीनों के तीनों USB पोर्ट एक ही साइड में दिया हुआ है, तो इस चीज का आपको तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगर दो इस साइड USB पोर्ट दिया रहता तो ये काफी अच्छा होता है, लेकिन 3 एक साइड में दिया है तो इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आता जाता नहीं है, वो यूज तो आप दोनों साइड में ही करते, तो इस पोर्ट के मामले में मतलब मुझे लगता है कि दोनों साइड में होना होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन एक साइड से है तो भी हम लोग का काम चल ही जाता है। इस चीज की सबसे मेन चीज की जो कि है इसकी प्राइस कितनी है आप ये सोच रहे होंगे, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है इस टाइम पे अगर आप फ्लिपकार्ट Amazon पे देखोगे अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है, किसी में 34,000 किसी में 30,000 32,000 ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल मेरे पास जो वेरियंट है ये है 8GB रैम प्लस 256GB SSD वाला वेरियंट है, इसके अलावा एक वेरियंट और अवेलेबल है जो की है 4GB रैम प्लस 4GB रैम के साथ 1TB का हार्ड डिस्क आपको देखने को मिल जाता है, तो इसका प्राइस आपको अलग अलग दोनों एप्लीकेशन में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो मैंने जब इसको लिया था मैंने इसको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के टाइम पे लिया था तो मुझे ये करीब 29,900 के आसपास ही मुझे मिल गया था। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो किसी मतलब ये जो सेल्स वगैरह आने वाली है तो उस टाइम पे अगर आप लो तो इसमें आपको काफी अच्छी खासी इसमें आपको छूट मिल सकती है, लेकिन अगर आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है लैपटॉप लेना तो आप फ्लिपकार्ट Amazon पे देख सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे हो सकता है मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर चेक कर लेना, अगर हो तो यहीं से डायरेक्ट जाके बाय कर लेना या फिर आप खुद जाके वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इसका एक छोटा सा रिव्यू, तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस लैपटॉप को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी रिप्लाई बहुत जल्द दे दूंगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।